यह हो आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। भरत फिल्म की शूटिंग आप सभी को पता है कल से चालू होने वाली है, उसकी तैयारी अभी से जोर शोर से चालू है। चलिए आपको एक बहुत अच्छी पिक्चर बताता हूँ जो आलिया भट्ट जफर ने शेयर की है सोशल मीडिया पर, और वो पिक्चर फिलहाल ट्रेंड हो रही है। क्या है वो पिक्चर और कितनी सच्चाई है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो आपको बता दो, ओल्ड टू माई फादर 2000 की साउथ कोरियन फिल्म है, उसका ये रीमेक है, ऑफिशियल रीमेक है हिंदी वर्जन में, और ये फिल्म कमाल की होने वाली है। और इसी तरह सलमान खान हंसने वाले फिल्म रिलीज़ होने के बाद इतना आप मान के चलिए। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये फिल्म बजरंगी भाईजान जैसी कमाल की फिल्म होगी, इतना मेरा मानना है। ऐसे में जो पोस्टर के साथ आप देख सकते हो सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्टर्स आए, जिसमें से ये पोस्टर आ रहा है। ये पोस्टर में आप साफ अगर ध्यान दोगे आलिया भट्ट सफर का नाम भी लिखा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल हो जाता है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो एक्शन रिहर्सल्स भारत द फिल्म, यानी कि एक्शन का रिहर्सल चालू है, किस तरह से एक्शन होगा, रिस्की का एक्शन आई होप ना है, ये ऑफिशियली प्रॉपर एक्शन है भारत मूवी का, इतना मुझे यकीन है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन वर्क चालू है, और अगर मोटरसाइकिल वगैरह भी देखोगे तो थोड़ा सा पुराने जमाने वाला अगर फील है, आई थिंक मे बी वैसे ही कुछ लग रहा है। लेकिन आप अगर सोचोगे यार ये फिल्म एक्शन होने वाली है क्या, तो मैं आपको यहां पर क्लियर बता दूं, इस फिल्म में 10 से 15% या मैक्स टू मैक्स 20% एक्शन होगा, बाकी 80% फुल ऑन इमोशंस होने वाले। तो जिनको ये डाउट है कि फुल ऑन एक्शन होने वाला है इस फिल्म में, तो प्लीज़ थोड़ा सा माइंड हटा के आइए, ये फिल्म इमोशनल फिल्म है और एक्शन इसमें से 10 से 15% या मैक्स टू मैक्स 20% जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो भी एक्शन होंगे वो धांसू होंगे, कमाल के होंगे, इतना मेरा मानना है। और ये खबर सोशल मीडिया पे फिलहाल वायरल हो रही है, और ये फोटो वायरल हो रहा है, जिससे मतलब साफ है कि फिल्म बहुत बड़े लेवल पे बनने वाली है। और यहाँ पर मेरे दोस्त भाई उनको थैंक्स बोलना पड़ेगा, काफ़ी वक्त से मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, अमित लालवानी भाई आपका शुक्रिया, आपने जो इतनी बढ़िया जानकारी दी। और इसी तरह के अपडेट्स आगे भी जिसको भी पता चलते हैं ज़रूर बताइए कीजिए, और मेरे पास जो भी अपडेट्स आएंगे मैं ज़रूर आपसे शेयर करता रहूँगा। चलिए फिलहाल इतना ही।